नमस्कार, मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं करनाल हरियाणा से हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और RJS फैमिली को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। यह RJS राम जानकी संस्थान एक ऐसी संस्था है जो सकारात्मकता को फैलाने का बहुत ही सुंदर प्रयास समाज में कर रही है। राम जानकी संस्थान देश हित को, समाज हित को सर्वोपरि मानकर जो इस कार्य के लिए, देश हित और समाज के हित के लिए जो कार्य करते हैं, उन लोगों को उत्कृष्ट सम्मान भी प्रदान करती रहती है। इसकी स्थापना आदरणीय उदयमन्या जी ने 6 वर्ष पूर्व की थी और यह भारत का पहला सकारात्मक भारत आंदोलन है। आज इसी RJS संस्थान के मंच द्वारा मैं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपनी स्वरचित कविता की कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है पावन रक्षाबंधन का त्यौहार। श्रावण मास की रिमझिम बौछार, साथ लाई रक्षाबंधन का त्यौहार। रंग बिरंगे ये धागे रेशमी, ये राखी के तार, इन कच्चे धागों में छिपा बहन का पवित्र प्यार। भाई बहन का ये रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल, एक बांधे रक्षा सूत्र, एक लेता रक्षा परण, ना इसका कोई मोल। भाई बहन के लिए राखी का दिन बहुत ही खास, त्याग प्रेम कर्तव्य का रिश्ता दिलों के ये बहुत पास। कच्चे लेकिन सच्चे धागों की डोर है ये राखी, भाई बहन के स्नेह प्रीत का जोड़ है ये राखी। इस प्यारी डोर से बंध कर भाई सदा करते बहना का सम्मान, सदा साथ बहना का देते, कभी नहीं होने देते अपमान। इस पवित्र डोर का मान रखने प्रकट हुए स्वयं कृष्ण भगवान, भरी सभा में रखी द्रौपदी की लाज, बचाया बहना का सम्मान। धन्यवाद। राखी हमारे देश का बहुत ही पावन पर्व है, इसका पौराणिक महत्व भी है। RJS राम जानकी संस्थान भारत का पहला सकारात्मक भारत आंदोलन है। इसकी शुरुआत आदरणीय उदयमन्ना जी के नेतृत्व में 6 वर्ष पूर्व की गई थी। यह संस्थान लोगों के जीवन में सकारात्मकता को फैलाने का कार्य करती है, जो जनहित और राष्ट्रहित के लिए बहुत ही मायने रखती है। सकारात्मकता मनुष्य की सोच का एक ऐसा पक्ष या पहलू है जो डूबते हुए को किनारे तक पहुंचा सकता है, तो पथ में हारे पथिक को मंजिल तक पहुंचा सकता है। और सकारात्मक सोच ही दुख से घिरे हुए मनुष्य को रोशनी की किरण प्रदान करती है। इस तरह की सकारात्मकता ही लोगों तक पहुंचा रही है राम जानकी संस्थान। राम जानकी संस्थान द्वारा अनेक पॉजिटिव वेबिनार का संचालन किया जाता रहा है। इनके द्वारा चलाए गए अभियान सकारात्मक भारत, सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम, स्वयं का स्वामी बने आदि लोगों में सकारात्मक सोच को विकसित कर रहे हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित वेबिनार जो लाइव स्ट्रीम पर चलाया गया था, बहुत ही सफल और सुनियोजित कार्यक्रम रहा है। इस कार्यक्रम की अनेक विशेषताएं थी जो इसकी सफलता का मुख्य कारण रही। इनमें से एक RJS पॉजिटिव स्पीकर थी, जिसके तहत आदरणीय उदयमन्ना जी ने स्पीकर्स को अपने पॉजिटिव कार्य योजनाओं तथा संचालन को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। ये मौका ऐसे लोगों को दिया गया जो समाज, अपने समाज, क्षेत्र, देश के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। इनको सुनकर दूसरे अन्य व्यक्ति भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं अपने देश और अपने समाज के लिए पॉजिटिव कार्य करने के लिए। इस कार्यक्रम में
एक क्विज पार्ट भी था जो इसका बहुत ही अच्छा और आकर्षण का केंद्र मुझे लगा। यह क्विज महापुरुषों की जीवनी पर आधारित था, जिससे बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह संस्थान, राम जानकी संस्थान, एक संस्थान की तरह नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह कार्य करती है और मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनके बहुत खुशी हो रही है। जीवन, इस वेबिनार में अनेक देशभक्ति से पूर्ण गीतों को भी प्रस्तुत किया गया, जिससे लोगों में राष्ट्रभक्ति और देश सेवा की भावना जागृत हुई है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित वेबिनार के लिए मुझे बहुत ही सुंदर सम्मान पत्र RGS द्वारा प्रदान किया गया, उसके लिए मैं आदरणीय उदा मन्ना जी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मुझे यह बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि RGS द्वारा 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक 75 कार्यक्रमों, जो कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके लिए मैं आदरणीय उदय मन्ना जी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि राम जानकी संस्थान ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और ऐसे ही पॉजिटिव कार्य जनहित, राष्ट्रहित और देश सेवा के लिए करती रहे। धन्यवाद।